आपकी तैयारी बहुत सही है, यह बात का मूल्यांकन बिना प्रश्न पत्र के संभव ही नहीं है, हमारे पूछने से भी नहीं। अगर हम आपसे पूछ लें कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, आपने तब से बता दी, तब भी मैं आप पे तब तक भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि 20-21 साल के अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि बताने वाले भी मुंह के बल बहुत जोर से गिरे हैं, जब तक आप उस परिस्थिति को काबू में कर करके सही उत्तर तक नहीं पहुँचे। जिन सीढ़ियों से हम रोज उतरते हैं, किसी दिन उन्हीं सीढ़ियों पे फिसल जाते हैं। सचिन तेंदुलकर शतक मारने के बाद भी अगले मैच में जीरो में आउट हो सकते हैं, हुए भी होंगे। कंपटीशन है ही नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पत्र के साथ, इन्विजिलेटर के साथ, एक अननोन जगह पर, एक नए इन्वायरमेंट में उस प्रश्न का सही उत्तर दे देना कंपटीशन। अपने कमरे में और कोचिंग तक जानकारी मात्र सफलता नहीं है। इसलिए आप इस भ्रम में थोड़ा रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर एक्सरसाइज करते रहेंगे। जैसे मुझे भ्रम हो जाए कि ये व्यक्ति हमको धोखा दे सकता है, तो हम उसको लेके सतर्क रहेंगे। जैसे ही हम भ्रम से दूर हुए, नहीं ये मेरे लिए बड़ा हितकारी, फिर हमारे लिए दिक्कत हुई। जैसे आपको समझ में आए कि मेरी तैयारी पूरी है, आप समझ लेना कि कई सब्जेक्ट को आप डिनाई करने जा, अब वो आपके लिए खतरे बन सकते हैं, क्योंकि अलग इन्वायरमेंट में या आपका नज़रिया, जैसे आप ही जब निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, आप ही अपने गलत उत्तर को किसी से बिना पूछे कहते हैं, अरे यार ये तो बी होना चाहिए, तुम सी कैसे करते हो? आपने किसी से राय भी नहीं लिया। एग्जामिनेशन हॉल से निकले, जहाँ एक्टिवा एक्टिवा खड़ी किए थे, वहाँ पहुँचे, पेपर ऐसे दिमाग में चल रहा था, देखा यार ये तो बी होना चाहिए, मैं कैसे सी कर दूँ, ये आप ही थे अभी। और आप ही एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के 10 मिनट बाद बता रहे हैं कि ये बी होना चाहिए। वहाँ इन्वायरमेंट में, उस परीक्षा के पर्यावरण में आपकी हैंडलिंग कैसी थी, आपने हैंडल कैसे किया, सारे क्वेश्चन आपको नोच रहे थे वहाँ, पचवां भी, छठवां भी, अठवां भी, दसवां भी, ऐसे 150 तक की यात्रा करनी थी। इकोनॉमी के भी थे, पॉलिटी के भी थे, हिस्ट्री के भी थे, ज्योग्राफी के भी थे, करंट के भी थे, सब आपको नोच रहे थे, उस समय मैनेज कैसे कर रहे थे। इसलिए बंद कमरे में पंखा चला कर, कूलर एसी चला कर के किसी विषय को पढ़ लेना और एक बात, उसे परीक्षा हॉल में कॉपी में सही उत्तर तक पहुंचा देना दूसरी बात। इसलिए हम आपकी पढ़ाई से कभी सेटिस्फाई नहीं रहते, आपकी लिखाई से कभी सेटिस्फाई नहीं, अनसेटिस्फाई भी नहीं रहते, बस सेटिस्फाई नहीं रहते। क्यों? क्योंकि यह पैरामीटर यहाँ का है, उस लेवल पर जाकर के क्या कृत्य होगा वो डिसाइड करता है रिजल्ट। इसलिए आप कितना भी अच्छा लिखते हो, कितना बेहतर करते हो, हम संतुष्ट नहीं होते, यानी असंतुष्ट नहीं होते बट संतुष्ट भी नहीं, क्योंकि इस मूल्यांकन के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होना है परीक्षा की कॉपी में, और परीक्षा की कॉपी में जो वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ पे जो क्वेश्चन का और जो वातावरण का दबाव था, उसको कैसे मैनेज करके आपने एक बेहतरीन उत्तर में तब्दील किया, चाहे ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव, जैसे भी आपने उसको बनाया, उस पर अंक हो। इसीलिए हम इस तजुर्बे के साथ कह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई वहाँ कितना काम किया।